मम्मी आज आप कड़ी चुंगी बना रहे कड़ी टैकी वाली चावल डाल के क्योंकि पकौड़ी आपके डैडी को भी नहीं अच्छी लगती और आलू खत्म हो रहे हमारे आलू सुबह को भाजी वाला आएगा जब ले बैठे मम्मी तो पसंद ना आलू तो आलू सुबह को ले आएंगे आलू बना देंगे सुबह को नहीं सुबह को आलू नहीं खाने की मैं और ये डाल दिया है कच्चे चावल पिट्ठा खाऊंगी मैं तो पिट्ठा कद्दू पूरी ठीक है कद्दू ले लेंगे का टाइम हो चुका है दोनों बहनें ये खेली है गोरी को दी थी मूंगफली छील कर देखो कैसी दिखे पापा ओए हो रहा है शाम के टाइम को मैं तुमको कैसा तो कपड़े धुले थे थोड़े से और ये देखो जी गोरी तो जी यहाँ पे मैंने कड़ी छोंक दी है और मिर्ची थोड़ी सी कलर वाली डाली है और थोड़ी सी मैं इसमें लाल निकाल ली हूँ हरी मिर्ची है मैं लाल हो रही है मैं वाली क्योंकि जो बिल्कुल हरी है मैं नहीं डालने की क्योंकि इससे हरी हरी कड़ी हो जाए फिर वरना की डैडी को जो है अच्छी नहीं लगती तो इसीलिए जो है मैंने लाल लाल जो है हरी मिर्चियाँ निकाल ली थी उसमें से और मैं जो है इसमें कटर में को निकाल के डाल दूँगी क्योंकि काट के इसलिए नहीं डालती क्योंकि फिर जो है पीऊ खाती है तो उसको निकालती रहती है ये अलग अलग मिर्ची तो जी चलो अब जो है लग जाते हैं अपने काम में तो सुबह ही जो है मैंने आज खाने में कड़ी चावल बना लिए थे और उसके बाद में जो है मैं लगी हुई थी अपनी क्लीनिंग करने के लिए क्योंकि फिर जो है ना काम करके थकान हो जाती है तो खाना बनाने का भी मन नहीं करता तो रोटियां जब ही सेक लेंगे गैस पर और कड़ी वगैरह तो चूल्हे पर ही बनाई जाती है तो चावल जो है साथ साथ गैस पर ही सीटी लगा देंगे और जो है कढ़ी चूल्हे पर बना ली है मिट्टी की क्योंकि जो है कढ़ी जो है चूल्हे की ही अच्छी लगती है मिट्टी के ना कि गैस पर और गैस पर बनने में काफ़ी टाइम लगता है और चूल्हे पर बनाने में थोड़े ही समय में धीमी धीमी आंच में अच्छे से कट जाती है तो मैंने जीने के पास में जो है डस्टबिन रख रखी थी तो जो यहाँ पे उसमें जो है सारा कूड़ा डाल दिया है और यहाँ पे जो है मैं लगी हुई पोछा लगाने कर दी है साफ गीले कपड़े से और इधर जो है कमरे में को भी पोछा लग गया और अब लगा रही हूँ मैं बरामदे में तो बीच बीच में गोरी को भी जो देखना पड़ा है और गोरी को जो है दूध वगैरह पिला के तो ये मिट्टी के चुग्गे दे रखे हैं इनसे खेल रही देख का कर ले भाई और मैं लगा रही हूँ पोछा तो मैं फटाफट से चार पाई के इधर लग चुका है आ गया है और फिर जो है नीचे जाना है पशुओं को पानी वगैरह पिलाना क्योंकि सारा काम नीचे का ऐसे ही पड़ा हुआ है फटाफट से पोछा लगा लेते हैं अब तो जी किचन की साइड की जो है धुलाई करने के बाद में जो है मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए क्योंकि उधर फिर ना धूप आ जाती है और फिर जो है गोरी जो है उधर गिल्ले में घूमती मेरे साथ तो मैंने जो है गोरी को बिठा के फटाफट से इधर जो है धुलाई कर दी और धुलाई करने के बाद में जो है मैं इधर पोछा लगा रही हूँ क्योंकि पोछा लगाते टाइम तो मैं इसको खाट पर बिठा देती हूँ और जो है इसके साथ बातें करती रहती हूँ और फिर वहाँ पर पानी लेने के लिए टंकी पर जाना होता है इस वजह से गोरी बार बार गिल्ले में ही पहुँच जाएगी क्योंकि अब ठंडी होने लगी है और खांसी जुकाम तो नॉर्मली लगा हुआ है क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है इस वजह से तो जी चलो अब जो है फटाफट से अपना पोछा लगा लेते हैं छीलने का स्टाइल तो हमने चार गन्ने खाए
मैंने पीऊ ने थोड़ा सा इसके डैडी ने और अब खा रहा मैं कर पीऊ। और बज गए 3 बजने वाले हैं और हमने खाना ने बना के आज पानी पूरी बनाने लगे। ये देखो हलवाई लग चुके हैं रसोई में, ये देखो कितनी अच्छी खुली खुली पानी पूरी बन गई। और इधर पानी रेडी कर रही तो ये इमली जो है निकाल ली, इनमें से इमली के बीज निकाल के छान के रख दिया। तो अब पानी तैयार करेंगे, पहले जो है पानी पूरी बना रही। ये देखो जुगाड़ है, ये जुगाड़ परात पे रख के बेल के ऐसा गोल और ये कट कर लिए ढक्कन से। सारा बच्चा तेल में लग रहा, फटाफट फूलने गिर गई। तो मैंने पानी में जो है गुंदी डाल दी थी और नमक और मिर्च डाल दिया था, क्योंकि धनिया जो है मिला नहीं था, तो जिससे हल ग्रीन वाला पानी बनता तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता। तो धनिया की कमी रह गई थी, लेकिन पानी वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। और यहाँ पे तरुण मैं कुरपी हूँ और मैं और गौरी और वंदना के डैडी, तो हम जो है यहाँ पे कर रहे हैं पार्टी गोलगप्पों की, क्योंकि पीहू का बहुत ही ज़्यादा मन था गोलगप्पे खाने का। तो बाज़ार में इसको खिलाए गए, लेकिन वह है ना बाज़ार में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता और पेट भर के भी नहीं खा पाते, तो इसीलिए जो है पीहू की फरमाइश जो है आज वंदना के डैडी ने पूरी कर दी है। तो यहाँ पर जो है आप लोग भी आ जाइएगा गोलगप्पे खाने के लिए, तो बहुत ही यम्मी यम्मी गोलगप्पे बने हुए हैं हमारे, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमारी हंसी मजाक। तो जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो मैं अभी नहा धो के आई हूँ और मेकअप कर लिया है, कंघा नहीं किया क्योंकि बाल अभी गिल्ले हैं तो थोड़े से सूख जाएंगे, उसके बाद में जो है मैं कंघा करूँगी। और जुकाम ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रहा है और आँखों में भी दर्द हो रहा है ये दोनों, और माथे में भी। तो दवाई ले ली थी पर ना, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा, किस वजह से 2-3 दिन हो ली सर में दर्द ज़रूर होना, चाहे शाम को हो चाहे सुबह को हो चाहे दोपहर में हो। और दवाई ले भी ना बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा, जुकाम तो ही रही। तो आज जुकाम की भी मंगानी पड़ेगी, क्योंकि कल ना लेट तक का सफाई करने के चक्कर में हमने शाम के टाइम जो है ठंडे ही पानी में नहा लिया। आलस्य इतना आ रहा था कि गर्म पानी करने का मन नहीं था, मैंने सोचा अभी तो गर्म पानी आ रहा है टैंक में और उससे ही नहा लेते हैं, तो मैं उससे नहा ली और मेरा जुकाम लग गई जब से ही। मुझे बहुत ही ज़्यादा छींके छींके आ रही सुबह से और जुकाम बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली लगी हुई है, और इस वजह से जो है वंदना के डैडी अभी खेत में गए हुए हैं, तो उनसे आने पर ही दवाई लेके आएंगे। और मैंने जो है बहुत सारे कपड़ों की धुलाई करी है और किचन की साइड जो है धुलाई करी, और धुलाई करके कपड़े धुले और जो है पूरी जो है रेलिंग साफ हो गई है। अब जो है दोबारा से कमरे में को थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, तो वैसे तो अभी करवा चौथ के टाइम की थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डस्टिंग हो जाती है तो उसको साफ करना है। और फिर अच्छे से लाइट वगैरह लगाए के दिखाएंगे आपको कैसे कैसे क्या करेंगे क्या नहीं। तो दिवाली आने वाली है, तो आप सभी को दिवाली की एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरी मम्मी ना बहुत ही ज़्यादा रुक के देख रही थी मुझे, ये बोल रही थी तन्ने अपने बल्लों का नाश करवा कर धर दिया, इन्हें जरा जरा से करवा दी। रात ना मेरी मम्मी जो है उन्होंने वीडियो कॉल कर रखी थी मेरे भैया भाभी ने, और ये बोल रही कि तुमने अपने बल्लों का नाश करवा के धर दिया। तो खैर कोई नहीं, और इसकी मौसी भी ना कहती क्या बल्लों में कट करवा कर गिर दिए ना, छोटे से करवा दिए बिल्कुल। तो भाई कोई नहीं, ये तो घर की खेती है, बढ़ जाएगी, कभी कटवा लो कभी बढ़ जाए, तो कोई नहीं। तो चलो जी यहीं पर करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। तो अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो आपको यहाँ पर ना बिल्कुल भी जो है आवाज़ थोड़ी समझ में आएगी, क्योंकि जुकाम में ना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही। और अब जो है खाएंगे खाना, तो मैं सोच रही हूँ काली दाल वाली खिचड़ी बना लूँ, क्योंकि अब जो है काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है और वीडियो एडिट भी करना है, और वंदना के डैडी भी आ जाएंगे अभी खेत में है।